हेलो गाइस चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आपको इन तीन कार्ड्स में से या इन तीन पाइल्स में से एक पाइल चूज करना है पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू और पाइल नंबर थ्री अगर आपने चुना है पाइल नंबर वन चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कारेंट फीलिंग्स सिक्स ऑफ द वर्ल्ड कार्ड एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वाओ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इस कनेक्शन के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ हाल फिलहाल में कुछ गुड न्यूज आई है जो वो आपको सुनाना चाहते हैं और मे uh, बी आपके कुछ पैसे या कुछ आपसे लिया था वो आपको देने के बहाने ये पर्सन आपसे बात करे लेकिन अभी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते है और सक्सेसफुल करना चाहते है क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने इनफ अपनी तरफ से एफर्ट्स इस कनेक्शन में नहीं डाले हैं सो यस अगर आपने पाइल नंबर टू चूज़ किया था फोर ऑफ़ कप्स नाइन ऑफ़ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स मुझे थोड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं आ, या उन्हें लगता है आप गुस्से में हो वो आपसे बात करना चाहते हैं मे बी इन्होंने आपको पहले भी मैसेजेस करे होंगे लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया या फिर इन्हें लगता है कि अगर वो मैसेजेस करेंगे तो आप या तो रिप्लाई ही नहीं करोगे या गुस्सा कर दोगे और वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है अगर आपने गुस्सा किया भी है या अगर आप गुस्से में हो भी तो ये भी इस पर्सन को बहुत ही प्यारा लगता है Uh, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम करते हैं बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड किसी भी वक्त ये रीच आउट कर सकते हैं चाहे आप गुस्सा करो बात ना करो दे जस्ट वॉन्ट टू रीच आउट टू यू ठीक है पाइल नंबर टू अगर कम अगर आपसे एक रेजोनेट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने थर्ड पाइल चूज़ किया है थ्री ऑफ Swords, टू ऑफ Wands एंड मजिशियन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन या तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है या इंटरनेट कनेक्शन है आपका और आ, मुझे लगता है ये पर्सन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं इस रिश्ते का बट उन्हें थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है क्योंकि आप दूर हो लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं डेफिनेटली दूर हो तो उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल आप पे नहीं हो पा रहा है या वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये चीज़ सोच सोच के वो बहुत स्ट्रेस हो जाती है बहुत पेनफुल उन्हें लगता है बहुत हर्टिंग लगता है इस पर्सन को और ये बहुत मिस कर रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी इस पर्सन को और कहीं ना कहीं वो लेकिन एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो सही कर ही देंगे सारी सिचुएशन को चाहे आपको मनाना हो या आपका ट्रस्ट जीतना हो या आपके पास आना हो दे विल डू इट ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा है और ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं ठीक है सो so, वीडियो को लाइक कर दो